दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अश्वगंधा एक ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटी है जिसे बच्चे, जवान, बूढ़े, विवाहित या फिर अविवाहित स्त्री पुरुष सभी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण विभिन्न बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके शरीर में कमजोरी है या फिर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो अश्वगंधा का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तीन प्रयोग दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। नंबर वन प्रयोग, दोस्तों आप क्या करें, 3 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण सुबह दूध के साथ नियमित सेवन करें। नियमित रूप से अगर आप कुछ दिनों तक अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है, शरीर पुष्ट होता है। नेक्स्ट प्रयोग दोस्तों, या फिर आप क्या करें, 3 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, 5 ग्राम तिल्ली और 5 ग्राम घी लेकर इसमें 3 ग्राम आप शहद मिला दें और नियमित रूप से सर्दी के दिनों में इसका आप सेवन करें। अगर सर्दी के दिनों में आप सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से कमजोर शरीर भी दोस्तों शक्तिशाली हो जाता है और शरीर का वजन बढ़ता है। थर्ड प्रयोग दोस्तों, अश्वगंधा का चूर्ण आप 3 ग्राम ले लें, मिश्री 3 ग्राम ले लें, शहद 6 ग्राम और 3 ग्राम इसमें घी मिलाकर आप अगर सेवन करते हैं तो वृद्धावस्था आपसे दूर रहती है, शरीर पुष्ट होता है, युवा की तरह दोस्तों इंसान जवान हो जाता है। तो दोस्तों ये थे अश्वगंधा के 3 प्रयोग। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।